तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग। और पहले बताना बाल कटवा के तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। तो अभी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम आए हुए कहाँ है। पहले आपको यहाँ का बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ, कमेंट करके बता देना कि हम कहाँ पे आए हुए। गाइज, आपको जैसे बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा और मैंने एक बार आपको वीडियो भी दिखा दी, हम आ रखे आज पहाड़ों पे ब्लॉग बनाने के लिए। वैसे ब्लॉग बनाने के लिए नहीं, हम आए थे यहाँ पे कॉलेज में तो एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम देने के लिए। और अभी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, मैं बाहर आ चुका हूँ, उसके बाद सोचे कि आज का ब्लॉग बना दिया जाए। तो गाइज़, यहाँ पे ना एकदम मस्त हवा चल रही, ठंडी। कल यहाँ पे बारिश हो रही थी, मैं कल शाम को ही आ गया था, फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बना सका। तो आज ब्लॉग बना रहा हूँ, आज चार्जिंग फुल है। यहाँ पे एक रूम लिया था, वहाँ पे रुक के फ़ोन चार्ज किया, और यहाँ पे दूसरा फ़ोन भी, इसमें यहाँ पे सुन सकते हो गाने चले हुए सैड। मैं यहाँ पे गाने सुनने का मज़े आ रहा है, एकदम पहाड़ है, हवा चल रही है मस्त एकदम से। और पहले मैं आपको एक बार कॉलेज भी दिखाया था कि मैं कौन से कॉलेज में गया था। गाइज़, आपको कॉलेज कैसा लगा? और अभी यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट तो ख़त्म हो चुकी है आज की, अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सेकंड शिफ्ट। मतलब जो जिन बच्चों का सेकंड शिफ्ट में पेपर था उनका स्टार्ट हो चुका है। मेरा एग्ज़ाम कल था, तो आज मेरे भाई का एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम देने गया। मैं अभी जा रहा हूँ रूम पे जहाँ पे हमने रुके हुए हैं, वहाँ पे जाके अपने फ़ोन को करूँगा चार्ज, क्योंकि हमने फिर यहाँ से 2 बजे की बस पकड़ के घर भी जाना है। 2 की नहीं, शायद हम लेट हो जाएंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाके फिर हमें यहाँ से बस मिलेगी। अभी तो यहाँ से भाई बहुत दूर है। गाइज, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कौन सा पेड़ है भाई। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वाला पेड़ है, ये वाला है। मैंने इनको पहले भी देखा, पर इनको मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। यहाँ पे पहाड़ में, शिलाई में भी है, यहाँ पे भी है, मतलब हर जगह पहाड़ में मिलते हैं। और ये वाले पेड़ इतने बड़े जाते हैं, ये शायद अलग है और ये वाले अलग है। मैं ये समझ नहीं आ रही कि ब्लैक क्यों है, मैं आपको पास से जाके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये ब्लैक पीस, ये नहीं समझ रहे किस वजह से होते हैं पूरे। यहाँ पे उस वाले भी जूम करके देखते हो, वो भी यहाँ पे ब्लैक है पूरा। हमारे वहाँ के ब्राउन टाइप के होते हैं, यहाँ पे थोड़े से ब्लैक है, इसका मुझे नहीं पता क्यों होगा। गूगल पे आप देख लेना किस वजह से होगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ब्लैक भाई। यहाँ की अगर व्यू की बात करें तो व्यू आप देख सकते हो कितना अच्छा रहे, एकदम अमेजिंग। भाई यहाँ पे रोड में ना एक चीज़ पड़ी हुई जो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो गाइस, आज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं पहाड़ पे, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हवा तो भाई एकदम ठंडी हवा चल रही, अभी भी देख सकते हो आप, धूप है फिर भी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही। गर्मी तो भाई यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल भी गर्मी का नाम तो है नहीं। तो गाइस, अब यहाँ पे दिखाने के लिए और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, अभी चलते हैं सीधा जहाँ पे मैं रुका हुआ। आपको वहाँ से नीचे का व्यू दिखाता हूँ कि विंडो से वहाँ का व्यू कैसा है। पहले वहाँ जाता हूँ मैं, उसके बाद आपको रूम दिखा के वहाँ से नीचे का व्यू दिखाऊँगा आप सबको। गाइज़, एक बार मैं आपको दूर से जहाँ पे हम रुके हैं वो दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो गाइज़, जो आपको सामने घर दिख रहा है ना, वो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, वो वहाँ पे हम रुके हुए। आपको वहीं पे जाके दिखाता हूँ कौन से वाला है। सामने जो घर है ना, वहीं पे हम रुके हुए हैं, वो सामने वाइट सा, उसमें। यहाँ पे मतलब गाने सुनने में मज़ा आ रहा, पूरा सुन सकते हो पूरा भाई साहब। यहाँ पे क्या बोली, छोड़ो, चलो अब जल्दी से पहुँच के वहाँ पे आपको रूम दिखाता हूँ, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जो ये कटा हुआ है ना पत्थर, ये इससे पता चलता है कि हमें अभी पहाड़ पे है। ये पहाड़ की मतलब एक वो जिससे लगता है कि ये पहाड़ है। देखो किस टाइप के यहाँ पे कटे हुए पत्थर है। आप कहीं पर भी चल जाना, ये ऐसी चीज़ तो आपको हर पहाड़ पर मिलेगी इस तरह के। तो गाइज, आप देख सकते हो मैं अभी अपने रूम में आ चुका हूँ, यहाँ पे हम रुके हुए, और यहाँ पे ना अभी सफाई करी। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से रूम दिखाता हूँ। तो गाइज, ये रहा यहाँ पे रूम, और ये ना मैट यहाँ पे था पहले भी छवा, और यहाँ पे बेड लगा हुआ। और यहाँ की व्यू की बात करी जाए बाहर की, तो आप देख ही सकते हो यहाँ का व्यू। अगर यहाँ पे अगर मैं अपने 4K से रिकॉर्ड करूँ तो आपको एक बार 4K से रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ यहाँ का व्यू,
क्योंकि अब मैं इसको स्नैपचैट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो मेरे यहाँ पे कैमरे में है ना, उसके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4K में अगर मैं वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो कितनी अच्छी क्वालिटी आती है। मैं आपको एक यहाँ पे एक रूम दिखाने जाता हूँ सामने, जो आपको सामने ये रूम दिख रहे हैं वो छोटे छोटे से, अभी 4K में भी दिखाए थे मैंने आपको जूम करके। तो इसकी अगर रेंट की बात करें 1 नाइट का, तो उसका रेंट हमको पड़ेगा 4000। हाँ भाई 4000। और उसका यार अपना रेस्टोरेंट है, ये भी इसका अपना है, मतलब पूरा एरिया इसका अपना, आप देख सकते हो सारा का सारा, इसलिए थोड़ा सा महंगा है। देख तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा है। ये ऊपर वाला भी इसी का है और नीचे रूम भी इसी का है। तो 4000 में अगर आप आना चाहते हो सोलन, तो यहाँ पे रुकना, इसमें देखना क्या है। दोस्तों ये था सोलन में जहाँ पे मैं आया हुआ, अगर मैंने जाते हुए कुछ रिकॉर्ड करा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा, वरना आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी।